हर एक इंसान को एक मंजिल की तलाश होती है, और जब हमारा हर एक कदम हमारी हर एक सांस के साथ एक ही सपना देखता है तो मंजिल मिल ही जाती है। केदार कंठा। तो इसमें बहुत ज्यादा स्लिपरी हो रहा है। हाय गाइस, दिस इज हिमांशु एंड आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर। सो गाइस, कल हमने यहाँ पे सांकरी विलेज एक्सप्लोर किया था और आज हम यहाँ से केदारकंठा ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको केदारकंठा ट्रैक के बारे में पता लगने वाला है। जो केदारकंठा पीक है वो 12,500 फीट की ऊंचाई पे है अप्रॉक्स, और वहाँ पहुँचने के लिए हमें दो जगह पे रुकना पड़ता है। पहला जुदा का तालाब में हम रुकेंगे, वहाँ पे कैंप साइड है, उसका बेस कैंप जाएंगे, उसका सबमिट करके सीधे नीचे आ जाएंगे। तो अभी फिलहाल बज रहा है सुबह का 9 और हम सुबह उठ के फ्रेश वगैरह हो गए हैं, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। सो गाइस, फिलहाल अभी चल रहा है नाश्ता। नाश्ते बनी आलू चने की सब्जी और गरम गरम पराठे मिल रहे हैं, आंटी यहाँ पे बना के फटाफट दे रही है। और इसके बाद बाहर इक्विपमेंट रखे हुए हैं, जिसको भी लेना है यहाँ पे इक्विपमेंट रेंट पे ले सकते हैं, और उसके यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। सो गाइस, ब्रेकफास्ट हो गया है और अभी एक चाय पी रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो बढ़िया धूप आई हुई है छत पे, यहाँ पे इनके होम स्टे की छत पे अच्छी धूप आती है। तो अभी वेट कर रहे हैं सारे लोगों का, यहाँ पे सारे लोग गैदर होंगे, उसके बाद थोड़ी सी ब्रीफिंग होगी, उसके बाद यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। कल हमने सांकरी यहाँ पे एक्सप्लोर किया था बेसिकली, तो अगर आप लोगों को देखना है सांकरी में और क्या क्या कर सकते हैं तो उस वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। सो गाइस, ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गए हैं। दो लड़के हमारे, दो दिव्य प्राणी जो हैं, वो अभी तक मार्केट से सामान ही लेने गए हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ लोग हम लोग थोड़ा आगे निकल जाते हैं और हमारी ट्रैक लीड उनको लेकर जहाँ से ट्रैकिंग एक्चुअल में स्टार्ट होती है वहाँ पे मिलेंगी। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, ये हमारा होम स्टे था। तो अभी यहाँ से तकरीबन हमें 4 किलोमीटर का ट्रैक करना है और धूप भी अच्छी खासी चल रही है। तो आई होप 5 घंटे या 6 घंटे में हम पहुँच जाएँ। 5-6 घंटे तो लगेंगे आई गेस, बिकॉज काफ़ी सारे लोग हैं। सो गाइस, कल आपने जो ये देखा था पॉइंट, यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है। तो अपन लोगों ने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में रास्ता बहुत ही ऑफबीट है, पानी की वजह से ज़्यादा कीचड़ हो गया ना, फिसलन, तो रास्ता तो थोड़ा ठीक ही लग रहा है। थोड़ा सा ऊपर चल के यहाँ पे एक फ्लैट एरिया है स्टीप, जहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ से एक व्यू पॉइंट है अमेजिंग। हम लोग यहाँ पे एक मिनट के लिए रुके हुए हैं फोटोग्राफी करने के लिए, साथ ही साथ में लोग जो आ रहे हैं उनका भी वेट कर रहे हैं। तो अगर फोटोज़ वगैरह देखनी है तो आप इंस्टाग्राम में देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ कहीं फ्लैश हो रहा होगा। बाकी अभी अब यहाँ से जो ट्रैक है थोड़ा सा, अभी जैसे थोड़ा सा ऑफ बीट था, अब यहाँ से थोड़ा सा रास्ता ट्रेल्स जो हैं प्रॉपर स्टार्ट हो गई हैं। लेट्स सी अब कितना स्टीप है आगे। आपको जब ट्रैक कर रहे हो तो थोड़ा देख के आना पड़ेगा आगे पीछे, जैसे वैष्णो देवी का हिसाब किताब है ना वैसी है यहाँ भी। अब ये सारा सामान जो ट्रैकिंग कैंप साइट किया जा रहा है इन खच्चरों में जाता है। ये सारे लोग हैं जो हमारे ग्रुप में सबसे आगे पहुँचे हुए हैं, बाकी सब पीछे हैं। सो गाइस, ये भाई कहाँ से आए हैं? झारखंड से आए, इन्होंने सेकंड टाइम ये कर रहे हैं ट्रैक। तो अभी कितना मतलब कैसा, अभी जैसे पहला था वैसे लग रहा है या थोड़ा कम लग रहा है? होता ना एक जगह पहले चले जाओ है ना, क्या बोल रहे आप? किसी आदमी को ऐसा बोला आपने? वो उसकी हाथ खराब हो गई थी, मुझे लगा हम 1.5 किलोमीटर चल लिए शायद आपने बताया था, तो मैंने उसको बकअप करने के लिए बोला बस 600 मीटर बचा ही हो, फलां मार के पहुंच जाओगे तुम, डरने की कोई बात नहीं, गाली ना दे रहा हूँ बस दो आगे जाके। सो गाइस, अप्रॉक्स 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको यहाँ पे ढाबा मिल जाएगा, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह अगर खाने हैं, अगर लंच करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ तक की जो चढ़ाई है ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बीच में हल्का सा स्टीप था रास्ता, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल रास्ता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप फटाफट यहाँ पे ना रुक के आगे बढ़ते रहें, बिकॉज़ अगर आपको टाइम से जुड़ा का तालाब पहुँचना है तो। सो गाइस, एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो जब भी आप ट्रैकिंग करते हो ना, कहीं भी जा रहे हो ट्रैकिंग में, म्यूज़िक लाउड ना बजाएं, बिकॉज़ आप लोग किसी भी जंगल वाली एरिया में जाते हो तो आप जो एनिमल है उनके हैबिटेट में जा रहे हो और उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। और दूसरा, ये रैपर्स वगैरह अगर आप प्लास्टिक वगैरह कुछ भी लेके जा रहे हो, वैसे तो नहीं लेके जाना चाहिए, अगर लेके जा रहे हो तो बैग में रख के वापस ले जाएं, जहाँ पे भी प्रॉपर डस्टबिन रखा है वहीं डंप कीजिए प्लीज़। हिमांशु माउंटेन विलर वैसे सोशल। सो गाइस, ढाबे से अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं, थोड़ा सा स्टीप है, जैसे वहाँ पे थोड़ा सा आगे पहुँचने के बाद यहाँ पे हमें स्नो दिखने लगी हल्की हल्की, आई थिंक
रिसेंटली कभी लास्ट मंथ शायद स्नो पड़ी थी तो पिघली नहीं है शायद, इस वजह से हमें देख रही थोड़ी अभी शायद जुदा के तालाब के आगे भी हमें मिलने वाली है। तो अभी हम सबसे आगे लीड कर रहे हैं अपने ग्रुप को, निक्कू भाई है मेरे साथ सबसे आगे चल रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं ये पानी पूरा जम के बर्फ़ हो गया, देख लो देख लो कितना टफ है यहाँ पे भाई, बर्तन धो रहे उस पानी से भाई जी, मानना पड़ेगा यार आपको तो रात को माइनस में जाता हूँ, डबल जाता हूँ माइनस में जाता है। सो गाइस जो फर्स्ट वाला ढाबा था ना अपना, उसे थोड़ा सा ऊपर जाके एक दो ढाबे और आते हैं, लाइन से ढाबे लगे हुए हैं। चाचा का ढाबा है, डिटॉक्स एडवेंचरस करके एक और ढाबा है, दो तीन ढाबे एक साथ हैं। हट ट्रैक का साथी अपना कालू भाई हमें मिल गया है, ले ये आज अपना पूरा ट्रैक कराने वाला है। दो किलोमीटर आगे चलने के बाद यहाँ पे कैंप साइट्स वगैरह स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे बुग्याल है छोटा सा, वहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं और स्नो भी काफ़ी ज़्यादा दिखने को लगी यहाँ पे। तो अभी फिलहाल हमारे जो साथ में लोग हैं वो काफ़ी पीछे लगे हैं और हमें कैंप साइट भी नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा वेट करके सो गाइस फिलहाल हम यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे से रास्ता दिख रहा है तो हमने सोचा यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है पूरी भसड़ मची हुई है, एकदम पिकनिक स्पॉट बनाया हुआ है लोगों ने यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब गंदा मचा रहे यार सीरियसली। आप जब भी आओ ना यार, नंबर एक म्यूज़िक वगैरह लाउड बिल्कुल मत बजाओ, अगर आपको आ जाता है तो हेडफोन यूज़ कर लो यार, दूसरों को क्यों डिस्टर्ब करना है, एनिमल्स को क्यों डिस्टर्ब करना। दूसरी चीज़ यहाँ पे लोग इतनी मतलब कभी कुछ फेंक रहे हैं, कभी कुछ फेंक रहे हैं, मतलब रैपर चॉकलेट वगैरह खा रहे हैं ऐसी फेंक रहे हैं, मतलब बहुत गलत बात है यार सीरियसली। कुछ ही दिनों में ना ये भी ख़त्म होने वाला है ट्रैक मुझे लग रहा है। जैसे आप ट्रैक करते हो ना, तो ट्रैक करके ना बॉडी एकदम गर्म होती है, तो बहुत ज़्यादा यू नो स्वेटिंग होने लग जाती है। तो अगर आप कहीं पर रुकते हो तो उसमें हवा लगती है तो आपको ठंड लगने लगती है, तो उससे आप एकदम से ना कपड़े नहीं खोलने चाहिए। जैसे आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तो फिर भी आपको जैकेट वगैरह नहीं खोलनी चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि जो स्वेटिंग होती है अगर आप कपड़े खोल दो तो उसमें हवा पड़ती है ठंडी, तो उससे ठंडा गर्म लग के आप बीमार भी पड़ सकते हो। सो गाइस अराउंड दो घंटे का वेट करके हम यहाँ से निकल रहे हैं अपनी कैंप साइट को। हमारा कैंप जो है वो लेक के बिल्कुल पास में है और सन बिल्कुल एकदम सेट सा हो गया है और धूप चले गई है पूरी, ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है, काफ़ी सारे टेंट लगे हुए हैं यहाँ पे, आई थिंक वहाँ जगह नहीं है इसलिए इस बार यहीं साइड से पूरे टेंट लगाए हुए हैं। यहाँ से अब अराउंड आधा किलोमीटर के आसपास होगा मैक्सिमम, थोड़ा सा और चलना है फिर हमारी कैंप साइट आ जाएगी। अच्छी बात यह कि हमारी कैंप साइट जो है लेक के बिल्कुल पास में है, अभी हम कैंप में जाके बैग वैग रखेंगे, जैकेट वैकेट पहनेंगे और लेक में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। सो गाइस इन्हें तो आपने पहचान लिया होगा कल की वीडियो में, जिन्होंने साकरी एक्सप्लोर करने में हेल्प करी थी, तो आज हमारी ट्रैक डे ही है। हालांकि पूरे ट्रैक में कहीं दिखाई नहीं थी एक्चुअली पीछे जो लोग स्लो चल रहे थे उनके साथ चल रही थी। तो अभी कितना दूर है मैम? आधा किलोमीटर बस, थोड़ा सा ही है मतलब। यहाँ से अब तो अब थोड़ी सी हमारी कैंप साइट रह गई है और मुझे यहाँ पे जो स्नो है वो देख के ऐसा लग रहा है कि हमारी कैंप साइट की भी चारों ओर स्नो होने वाली है, तो ठंड तो होने वाली साथ साथ अमेजिंग व्यू भी देखने को मिलेगा। तो मॉर्निंग में हम निकलेंगे बाहर तो मज़ा आने वाला है, प्लस मैं ज़्यादा व्लॉगिंग इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, एक तो थोड़ा स्लिपरी है और दूसरा लोग बहुत ज़्यादा भीड़ है और यू नो म्यूज़िक वगैरह काफ़ी चल रहा है, एक जगह दूसरा गाना चल रहा है, बगल में दूसरा गाना चल रहा है, तो वो थोड़ा सा। सो गाइस बेसिकली जो ये आपको मिट्टी दिख रही है ना, एक्चुअली में मिट्टी जो है बर्फ़ के ऊपर जम गई है, तो इससे बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गई है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा वो करूँगा ना, ये देखो इसके अंदर ये बर्फ़ है और ये पूरी स्लिपरी है, तो इसमें बड़ा बहुत संभल के चलना पड़ता है। सो गाइस फाइनली हम अपने कैंप साइट में पहुँच गए, यहाँ पे बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे। तो अभी फ़िलहाल जैसा कि बताऊँगा, उधर जो है जूडा का तालाब है, इस साइड हमारी कैंप साइट है और ये पूरे इधर कैंप वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रश है अभी के टाइम पे, दिसंबर के टाइम में काफ़ी भीड़ रहती है इसका मतलब। सो
गाइस बेसिकली देखो ना, यहाँ ऊपर से पानी आ रहा है, तो ये पानी की वजह से क्या है कि जो मिट्टी है उसके ऊपर बर्फ़ जम गई है तगड़ी वाली, और बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो मैं भी थोड़ा पहले अच्छे से चढ़ जाता हूँ, फिर जाता हूँ आपको। ये देखो, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है, ऐसे देखा, ऐसा होता है रियल लाइफ एक्सपीरियंस। अब ज़्यादा स्लिप होने लगा है, धीरे धीरे आओ, कुछ नहीं होगा। अच्छा, और ज़्यादा फिसला नहीं है, आराम से आराम से। एक्चुअली क्या हो रही है ना कि वो बर्फ़ और मिट्टी बिल्कुल मिक्स होके बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गई है, तो लोग फिसल जा रहे हैं चलने में, तो ये पूरा जाम लग गया है अभी। तो हम भी बड़ा धीरे धीरे करके पाँव रख रख के आए, तो इसमें जब आप आओगे ना तो बहुत संभल के आना आप। सो गाइस, फाइनली हमारी मंजिल हमारे सामने है, पहली मंजिल जो थी, और जुड़ा का तालाब बिल्कुल एकदम सामने है। आने में काफ़ी मज़ा आया, ट्रैक आपने देखा यहाँ तक आने के लिए, बस लास्ट में मोमेंट जो थोड़ा स्लिपरी था, बट ठीक है। अभी फ़िलहाल ये लेक जो है जमी हुई है आधी, फ्रीजिंग टेम्परेचर है। अमित भाई जी, वो भाई का नाम भूल गया, लिंकेश भाई, मज़ा आया ट्रैक में? बहुत मज़ा। जुड़ा का तालाब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सो गाइस, ये जुड़ा के तालाब से लेफ्ट साइड को जो कट है, वहाँ से इन लोगों ने यहाँ पे कैंप साइट रखी हुई है। इनका कहना है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, तो कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए उन्होंने थोड़ा हटके रखी हुई है। सिर्फ वहाँ से 50 मीटर और आ गया क्रेजी माउंटेनियर्स की जो कैंप साइट है। सो गाइस, जो जुड़ा लेक है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 9097 फीट की ऊँचाई पर है, और ये हम पहुँच गए हैं क्रेजी माउंटेनियर्स की कैंप साइट पर। अलग ही बनाई हुई है एकदम, थोड़ा सा आपको वहाँ से अलग पैदल चल के आना पड़ता है जुड़ा लेक से। मुझे पर्सनली अच्छी लगी, बिकॉज थोड़ा सा अलग है, हटके है, थोड़ी भीड़ भड़क्का से अलग है, मुझे तो ज़्यादातर यही पसंद रहता है। सो गाइस, हमने टेंट वेंट ले लिया, अपने रूम पार्टनर ये दो भाई हैं, बिल्कुल राजस्थान वाले, राजस्थान ना, नहीं बोलूँ कुछ गलत बोलूँगा तो बता देना भाई, है ना, तो साथ में रहेंगे, मस्त मस्ती मारेंगे, वैसे तो कुछ मस्ती सोना ही है। सो गाइस, ये आ गए हैं अपने डाइनिंग एरिया में, यहाँ पे ऐसी ज़मीन में बैठ के खाते हैं, ये छोटा सा किचन है यहाँ पे, तो ये भाई लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी खाने में आज है हमारी, ये क्या है, कड़ी, कड़ी के साथ पुलाव, और ये थोड़ा सा अचार भी मिला है। सो गाइस, लंच वगैरह करके हमने थर्मल वगैरह पहन लिया है, पूरा पैक हो गए हैं, बिकॉज यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, ठंडी हवा जो चल रही है ना भाई, ये यहाँ पर इनका किचन है, बढ़िया करके खाना वाना यहीं से बन रहा है पूरा। अरे 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 अरे, ये यहाँ पे बढ़िया आग लगी हुई है, ये व्यवस्था भी कर रखी है पूरी पूना मैडम ने हमारे लिए, मैंने नहीं करी, रोहित भाई ने करी है। तो भाई लोग देख लो, ऐसी खाना यहाँ पे पानी गर्म इसी तरह से होता है, लकड़ी उकड़ी जला के, विकट ठंड हो रही है एकदम, का फायदा हम लोग भी उठाते हैं। हाँ, एक पंच दो काज हो रहा है यहाँ पे, दो काज, पानी भी गर्म हो रहा है, देखो जैसे यहाँ डेक के साथ साथ बिल्कुल बैठे हुए हैं, समझ जाओ क्या गर्म हो रहा है, सुकून। सो गाइस, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, लाइट बिल्कुल भी नहीं है, और बैटरी बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी सी बैटरी बच जाए, क्योंकि कल बी एस के एम जाना है, और उसके बाद फिर हमें समिट भी करना है। तो उसके बाद हमने लंच करने के बाद फटाफट डिनर कर लिया था, और डिनर में काफ़ी अच्छा यहाँ पे वही अपना चावल दाल रोटी सब्जी सब मिला था, और सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पे मीठे में जलेबी मिली थी, मतलब इतनी हाइट पे जाके मीठे में जलेबी मिल जाए और क्या है, मतलब मज़ा आ गया, पेट भर के खाना खा लिया है, और अभी सो रहे हैं ताकि हम सुबह जल्दी उठें, कल हम निकलेंगे सम यहाँ से बेस कैंप के लिए। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कुछ भी क्वेरी या सजेशंस हैं इस ट्रैक से रिलेटेड या कुछ भी इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।